हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है तो आप लोग सभी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो बाल विकास का जो है स्पीड टेस्ट मैं लेके आई हूँ आपका। बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन स्पीड करवाऊँगी मैं। क्वेश्चन पढ़ने के क्रम में ही आपको आंसर सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी ये पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बालक की बुद्धि कि वह योग्यता जिसके द्वारा वह अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचनाओं को धारण करता है कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? तार्किक, शाब्दिक, तो स्मृति योग्यता कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक रचनात्मक आकलन का उपयोग विद्यार्थियों के लिए भय रहित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने हेतु कर सकता है, क्योंकि यह क्योंकि क्या होगा? क्योंकि शिक्षार्थियों की अधिगम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना एवं तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तथा इनका विकास अभ्यास और स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका 2 हो जाएगा, यानी औपचारिक अनुशासन का जो सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। नेक्स्ट, मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी अपनाता है। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकिया क्या है? प्रक्षेपण है, पलायन है, उदारीकरण है, ये सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा 5 का? ये सभी है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक की प्रकृति कैसी होती है? तो सृजनात्मक बालक की प्रकृति जो है वो सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर सन्मुख होते हैं। नेक्स्ट है, 6 नंबर, सृजनात्मक बालक की प्रकृति ये तो देख ली कैसी होती है। इसके बाद है, हर्ज़बर्ग मार्शलो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा था? तो प्रथम स्थान पर उसने किन अवस्था मार्शलो का बात हो रहा है, तो मार्शलो जो है प्रथम स्थान पर शारीरिक आवश्यकता को रखे थे। उसके बाद चलिए, कर्ट लेविन द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत हैं, तो कर्ट लेविन द्वारा दिए हुए अधिगम सिद्धांत क्या हैं? क्षेत्र सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, कल्पना शक्ति अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो जो कल्पना शक्ति है वो उत्तर बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? तो इसमें जो है तीव्र मानसिक विकास जो है वो किशोरा नहीं है पर होगा, तीव्र मानसिक विकास नहीं होगा। नेक्स्ट, 11, व्यक्ति अपना संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है? व्यक्ति अपना संतुलन जो है विश्लेषण और निर्णय द्वारा स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्रों को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पे है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, इस पर संबंधित है। नेक्स्ट है, 13 नंबर, यदि कोई बालक खिलौने को देखता है और मिट्टी के खिलौने बनाने का प्रयास करता है और बना भी लेता है तो ऐसे बालक की अभिरुचि होगी? तो ऐसे बालक की अभिरुचि होगी शारीरिक अभिरुचि। नेक्स्ट चलते हैं, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है, धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, यानी जो पहले का है अगर उसकी मदद से आप कुछ कर पाते हैं तो। निम्न में कौन सा विकल्प बाल के निदुपागम की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो है प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये क्या है? बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है, लेकिन बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। प्रत्येक बालक विशिष्ट
होता है और प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। ये जो है बाल केंद्रित उपागम की विशेषता है। नेक्स्ट 16 में चलते हैं। किशोरावस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, किशोरावस्था जो है झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 17 चलते हैं। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा, तो कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावित रहेगा? इसका हो जाएगा स्वदेश बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक क्या चाहिए? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा परिमार्जित करती है। शिक्षा क्या परिमार्जित करेगी? तो बालकों के मूल एवं अर्जित दोनों व्यवहारों को। निम्न से क्या समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें देखिए, जो समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को विकास करना, तो ये है। असमर्थ बालकों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, ये भी है। समर्थ बालकों के साथ साथ असमर्थ बालकों में जागरूकता की भावना का विकास करना, इसमें ये भी है। तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं, कौन सा होगा? 4 ही होगा। समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना, ये नहीं है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सुमेलित कौन नहीं है? पहला है कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये कथन चोमेस्की ने कहा था, तो ये बिल्कुल सही है। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, ये बाइगस्की ने कहा था। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का कहना है। जो भाषा जो है वो विकास पर आधारित है, ये तीनों सही है। कौन सुमेलित यहाँ बोला? देखिए, नहीं है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के क्वेश्चन पे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, V.F. स्किनर, तो ये जो है नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 4 हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है स्किनर ने सीखने के लिए ड्रिल और एवं अभ्यास पर बल दिया था। किस पे दिया था? ड्रिल एवं अभ्यास पे बल दिया था, क्योंकि यह विधि भाषा को सीखने के करके सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि व्यवहारिक एवं परियोजना कार्य पर बल देती है, जिससे छात्र सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 21 के बाद 22। आकलन का प्रयोजन है क्या है? देखिए, आकलन का सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना, तो बिल्कुल सही है, यही होगा। आकलन का प्रयोजन होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 23। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि डैश प्रकार की होती है, ज़्यादातर भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार आदि बनते हैं, तो जिनकी बुद्धि जो है अमूर्त होती है, वो क्या बनेंगे? ज़्यादातर वकील, डॉक्टर और दार्शनिक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक बालक पेन को NEP लिखता है या बालक किस समस्या से ग्रस्त है? तो ये बालक जो है 24 का इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी एक बालक अगर पेन को नीप लिखता है, तो वो डिसग्राफिया से समस्या से ग्रसित है। 25। एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से वो क्या करेगा? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है, तो अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या कार्य हो जाएगा? शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कथन क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट है 28। संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता है, तो व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता क्या है? तो इसका हो जाएगा तनाव। नेक्स्ट 29। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है, तो चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण क्या है? यह दो या दो से अधिक अनुक्रिया का उपस्थित होना, भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया को पहचानने की योग्यता,
किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना, तो इसका यही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण होता है किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विभिन्न प्रकार के बाह्य और वैयक्तिक कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित तथा संपादित करते हैं, तो ये जो है नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा होगा, अभ्यास आदत है, साफ सफाई है, क्रिया का समय है, या शारीरिक थकान है, तो ये हो जाएगा साफ सफाई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 30 क्वेश्चंस बहुत कम समय में आप लोगों को करवाया, तो जो है उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स, ताकि ये आपके दोस्तों तक पहुँच सके। बेल आइकन दबाने से आपको रोज़ का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।